तो आज हम लोग इस बड़े वाले पुल को खाली करने वाले हैं, और ये पुल को खाली करने के लिए हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज की जरूरत पड़ेगी। क्या वो आएंगे, देखते हैं इस वीडियो में। तो भाई कब चाय हो जाती। मैंने सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया है, अपनी फॉर्चुनर थार ले लो, अपने घर पे ले लो, सारी चीजों पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, बट इस पूल पे कोई भी एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया। इस पूल को हम लोग आज खाली करने वाले हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसको खाली करने का। इसको खाली करके इसमें एक नया पानी भरेंगे, एक फ्रेश पानी। ये बहुत दिनों से ऐसे ही है, तो हम लोग इसको खाली क्या कर पाएंगे, और मुझे सोचना पड़ेगा क्या इसमें अगर मैं गाड़ियां डाल दूं ये पानी अपने आप खत्म हो जाएगा, पानी बाहर भर जाएगा। तो हमको कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे कि ये पानी कोई जैसे पीनी, जैसे पानी हम लोग पीते हैं तो खत्म हो जाता है, वैसा कोई सिस्टम बनाते हैं। फिट फिट। तो गाइस क्या अगर मैं ज़ॉम्बीज को यहाँ पे ले आऊं अपने स्विमिंग पूल पे, सारे जितने भी ज़ॉम्बीज हैं सब इसी पूल में भर दूं और वो सारा का सारी पानी पी लें, तो ये पूल का पानी खत्म हो जाएगा। और वो ज़ॉम्बीज तो समझ रहे हो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, तो मतलब कि उनके लिए ये पानी बहुत ही कम है ब्रो, वो एक नहीं है वो बहुत सारे हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यही सही रहेगा, चलते हैं ज़ॉम्बीज के पास, क्या वो आने के लिए तैयार होंगे। ये तो गाइस थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ वो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। तो वैन देखते हैं, शायद आज कोई हाथ पैर जोड़ने पड़ जाए हमारे, हमको तो जोड़ देंगे और क्या। तो गाइस मैंने फॉर्च्यूनर कार को साइड में ही लगा दिया, क्योंकि गाइस ज़ॉम्बीज का कोई पता नहीं है, वो फॉर्च्यूनर को ही तोड़ डालेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही महंगी है। तो रिस्क इज नॉट रिस्क ब्रो, रिस्क नहीं लेना है। ओके ब्रो, देखो भाई कितने सारे ज़ॉम्बीज है। इनको मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल सामने ही है, वो देखो वो मेरा घर है, ये यहाँ पे है। इनको लेकर जाना तो आसान है, बट ये मानेंगे ये नहीं पता, बट कैसे इनको मनाऊं पता नहीं, अब देखते हैं पूछते हैं। ओके जैसे ही मैं इनके पास तो ये लो भाई सारे के सारे भाग कर आ गए पीछे। ब्रो मेरे पास एक जुगाड़ है ब्रो, इसको मैं ऐसे भगाते भगाते कर लेके जा सकता हूँ, बट गाइज ऐसे भी नहीं काम चलने वाला, क्योंकि घर पे तो चले जाएंगे ये, बट हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो नहीं करेंगे ये। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो एक बार मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइज, तो इनसे मैंने बातचीत करी, ये कह रहे हैं कि हमारा एक मेन जो होता है, एक मेन बंदा होता है इन सबको कंट्रोल करता है, उससे पूछो जाके, कह रहा अगर वो मान लेगा तो हम लोग सब लोग वहाँ पे चल सकते हैं तुम्हारे घर, वरना तुम रुको 2 मिनट तुम्हें बर्बाद कर देते हैं। इनका जो स्टेयरिंग है उनको बस ढूंढना है, इनका स्टेयरिंग है, इनके ऊपर वाला एक बंदा है जो इनसे भी हाइट से बड़ा ज़ॉम्बी है, तो उसको ढूंढना है मुझे। तो गाइज इन्होंने कहा है कि बिग ज़ॉम्बी है, वो रहता है जुरासिक पार्क पे, तो चलते हैं जल्दी से जुरासिक पार्क पे। तो गाइज उस ज़ॉम्बी से मिलने के लिए हमें इस रैंप को कंप्लीट करना है, फिर गाइज वो हमें मिलेगा, वरना घंटा नहीं मिलेगा। तो गाइज चलो थोड़ी मेहनत करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइज साइकिल नीचे गिर चुकी है, गलत हो गया सीन, अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा नीचे। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली ये वाला रैंप भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब चलते हैं जुरासिक पार्क पे। अब हमको सीधा ही निकल जाना है, बस रुकना कहीं पे भी नहीं है, ला भाई सिस्टम, चलो सीधा। फाइनली मैं जुरासिक पार्क पे सामने आ चुका हूँ, यहाँ पे ट्रेन स्टेशन है, इसके आगे जुरासिक पार्क है, और चलते हैं सीधा ज़ॉम्बी से बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या वो साथ में चलेगा। दिस इज अ एक्सपेरिमेंट ब्रो, हिस्सा बनेगा एक्सपेरिमेंट का, भाई वो ज़ॉम्बी मारने ना पड़ जाए हमें, क्योंकि गाइज हम लोग उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, पूल का पानी खत्म करने के लिए ये सिस्टम बना रहे हैं, बस ये मुझे नहीं बताना है कि पूल का पानी खत्म करना है, वरना तो गाइस खत्म। ऑल राइट गाइस, मैंने उससे बातचीत कर लिया और उसने कहा है कि तुम चलो सीधा अपने घर और मैं आता हूँ पूरी अपनी टीम को लेके। टीम माने तो ज़ॉम्बीज की पूरी सेना को लेके वो आ रहा है, और मुझे बस इतना डर है कि ये पूरी की पूरी सेना ना ले आए घर पे, मतलब कि समझ रहे हो, ज़ॉम्बीज ज्यादा है, ज़ॉम्बीज की मुझे जरूरत नहीं है, मतलब कि इतनी जरूरत है कि वो पूल भर जाए, बस पता चले 1000-2000 ज़ॉम्बी साथ में ले आ रही है तो दिक्कत हो जाएगी यार, और चाय पानी का पैसा अलग जाएगा। और एक चीज तो यार बहुत दिमाग खराब कर रही है, ये साला ज़ॉम्बी कह रही है जिस रैंप से आया हो उसी रैंप को फिर से ऊपर जाओ, दिमाग खराब कर रही है, कह रहा फिर मुझे फोटो भेजना। मैंने कहा फोटो कहाँ, फोन बताओ कौन सा तुम्हारे पास, कह रहा आईफोन है। मैंने कहा दिखाओ भाई, सच में आईफोन था उसके पास, हमारे पास ये नोकिया। चलो कोई बात नहीं, फोटो भेजेंगे ऊपर चल के। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे चुपचाप उतरते हैं, इसको फोटो खींच के दे देते हैं कि लाया भाई सिस्टम पार कर लिया तुम्हारा रैंप, लाया। ओके गाइस हम लोगों ने अब चलते हैं सीधा घर को। तो गाइस ये है अपना पूल, इसी का पानी अभी अभी खत्म होगा, देखना तो मजा आएगा, एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए तो बहुत मजा आएगा। इसके अंदर मैं गाड़ियां भी डाल सकता, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो गाड़ियां डालेंगे, अभी के लिए कोई गाड़ी नहीं, चुपचाप चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं फिर आएंगे, ठीक है। तब तक वो फोन भाई आईफोन है भाई के पास, फोन करेगा जब आएगा। ऑल राइट गाइज, तो उसका कॉल आया था कि वो बाहर आ चुका है अपनी सेना लेके, तुम बाहर आओ। मैंने कहा आ रही है, 2 मिनट रुको तो सबर करो। अरे दादा भैंस, अरे लग गई रे, लग गई भाई पैरम लग गई जोर, अरे दादा
तो गाइस बाहर ज़ॉम्बीज की सेना आई और ले भाई एक लेफ्ट वाले लेग पे चोट लग गई। अब लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे वहां पे। दिमाग खराब हो गया यार। आराम भाई, इतना चुल मची है, आराम से चला जाता। रुको दोमन, अरे दो मिनट रुको और सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं कितने ज़ॉम्बी लाया। मेरा शक देखना, मतलब शक को हटाना। आदमी साला लेकर कितने आया है? अरे दादा भाई, ये ज़ॉम्बीज लेकर आया है कि ज़ॉम्बीज भैया यहाँ, मतलब ये घर बसाने आए हो क्या यहाँ पे हमारे घर पे? ये ज़ॉम्बीज साले 1,000-2 करोड़ तो ज़ॉम्बीज लेकर आ गया साथ में। ये पागल वगैरह है क्या गाइस? मेरे को ऐसा डर, मुझे ऐसा क्यों लग रही है? ये हमला जैसे नहीं होता, जो सेना आती है पूरा हमला करने के लिए। साले पूल का पानी, मैंने इनको बताया नहीं ना कि पूल का पानी खत्म करना। ये तो साला अनलिमिटेड लेकर आ गया भाई, तो गलत सीन हो गया यार। चलो बातचीत करते भाई, मेरे को गाली निकालने का मन कर रही है बहुत जोरों से। चल इनको गाली निकालता हूँ। बड़े वाले ज़ॉम्बी को 2-3 गाली तो पड़ेंगी, अब मजा लो। अरे दादा भैंस की टांग ले साले, ले वो ऊपर से वो भी अटक रही है हमसे। साले चूतिये, ये आदमी इतने सारे ले आ रही है, तू दिमाग खराब हो रही है तेरा? पूरी सिटी में पेंट करवाना है जो कि तुम इतने सारे बंदे ले रही आ रही हो क्या? ले ऊपर से, हम ऊपर से, और साला चिल्ला रही है। साले गोली है मेरे पास, ढान 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 से मारूंगा तेरे मुंह पे। अरे वो कांच की बात हो रही है यहाँ पे। साले अब की बार छोड़ लिया, दोबारा तुमको डंडा गाड़ दूंगा। और दोबारा भाई मैं अगली बार से बताऊंगा टुडे। साले भाई मैंने ज़ॉम्बीज गाड़े टू साले साले पूरी सी सीना ले आ रही है। साले वो कांच की बात कर रही है हमारे साथ। अरे को क्या हो रही है तेरी? अरे बहुत लंगड़ा लंगड़ा चल लिया है, क्या हो रही है? ले भाई मैं लेकर आ रही है 1,000 करोड़ ज़ॉम्बी साथ में लेकर आ रहा हूँ। बटा क्या करना है इसका, किसका घर बर्बाद करना? बटा बटा जल्दी बटा। सालो कुत्तों, यहाँ पे साले ये सेना लेकर आ रही हो क्या लेकर? साले यहाँ घर बसाने आ रही हो? पेंट करवाना है, एशियन पेंट करवाना है जो पूरी सिटी में, जितना आदमी लेकर आ रही है तू? मैं तो ऐसे है, मैं तूने कहा था ना कि इतने सारे बंडे लेकर आ, मैं भैंस की टांग और काट की बात नहीं करना मेरे पास। मुँह क्या देख रहे हो? आओ बाहर आओ, आओ अंदर आओ। टांग चोट लग गई ऊपर से, ये साले अपनी 7 पुश्ते ले आ रही है। ए, 7 पुश्ते नहीं है, चाचा के लड़के हैं सब, चाचा के मामा के लड़के अभी आ रही है। चिंता मना कर तू, आ रही है अभी। साले 7 पुश्तों को साथ में लेकर आ रही है, अभी कह रही है मामा के लड़के आ रही है। क्या भाई टाइम ट्रेवल करके आ रही है पुश्ते साथ? चलो छोड़ो यार, चलो आओ आओ काम करो। साले तो ये वाला पुल है देख लो भाई। साले औकात की बात कर रही है बार बार, साले इतनी पुश्ते लेकर, साले इसमें घुस जाओगे, साले खुद मरमरा जाओगे बाद में, मेरे पे नाम आएगा। चलो कोई ना, हाँ सारे नहीं घुसोगे, बात है साफ। ये तुम 7 पुश्ते लेकर आए हो, एक आधी पुश्ते इसमें डाल दो, बस सही है, काम हो जाएगा हमारा। साले ये स्विमिंग पूल है, मैं नदी को बंद थोड़ा करना है यहाँ पे, थोड़ा ही स्विमिंग पूल है, अलग चीज है थोड़ी सी। गिनती के 50 आदमी घुसो पहले, बाद में देखेंगे। गाइज 50 आदमी घुस चुके हैं अपने स्विमिंग पूल के अंदर, देख सकते हो। अब पानी खत्म नहीं हो रहा तो साले पियो ना, फिर मुंह का देख रही हो, पानी पियो पियो। पी रहे पी रहे पी रहे भाई, पानी पी रहे पी रहे पी रहे पी रहे, खत्म हो रहा खत्म हो रहा खत्म हो रहा खत्म हो रहा खत्म। तो गाइस फाइनली हमारा सारा का सारा पानी स्विमिंग पूल का गायब हो चुका है, मतलब कि अपने जो ज़ॉम्बीज है उन्होंने सारा का सारा पानी स्विमिंग पूल का पी लिया है। साले ये पानी पी रहे थे भाई, इतने सारे ज़ॉम्बीज है, वो भी आधी पुश्ते हैं, 1 पुश्ते इसमें आधी डाली होंगी और 7-8 पुश्ते बाहर खड़े हैं, और उनको भी डाल देता तो मान लो एक एक गिलास सबको मिलता पानी बस। साले स्विमिंग पूल का पानी पी गए यार ये। चलो 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 निकलो अब, निकलो निकलो सबके सब निकलो अब, मुझे थोड़ा सा देखने दो स्विमिंग पूल अंदर से कैसा लगता है। अरे बॉस को मैं कह देता हूँ निकलो, लेके अपने सेना को लेके निकलो भैया, बहुत। और यहाँ पे हमारे इधर कोई सिस्टम नहीं है पानी पानी वाला, बस थोड़ा चाय पानी हो जाता। चाय पानी चट्ठाई जट्ठा पड़ी है। चलो चलो, साले निकल ही नहीं रहे यार, मैं कब से कह रही है निकलो, ये सारे चाय मांग रहे भाई। मैं अपनी पूरी सिटी का राशन ले आऊं तब भी इनकी चाय भाई कम पड़ जाएगी यार। निकलो यार, अगली बार देखेंगे यार। आले तेरे बॉस के पास जाऊंगा पहले, अभी रुक साले। ठीक है भाई, मैंने फाइनली बॉस से बात कर ली, उसने कहा साले अगली बार आएंगे चाय से जरूर। मैं साले एक आधे ज़ॉम्बी ले आई अपने साथ। गाइस सारे के सारे ज़ॉम्बीज चले जा चुके हैं, तो अब मैं दिखाता हूँ अपना स्विमिंग पूल जो कि उन्होंने खाली कर दिया था। वैन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा स्विमिंग पूल खाली हो चुका है, कोई भी पानी की एक बूंद भी नहीं है। लेट्स बिगिन। अब इसके अंदर कौन सा पानी भरा जाए? पानी भी बहुत ही प्रकार के होते हैं। डेड सी बनाया जाए इसमें क्या? बिल्कुल नमक वाला पानी कर दिया जाए इसमें, गाड़ियां डाल देंगे, गाड़ी आराम से तैरेंगी मजा लेंगी, ठीक है? डेड सी बनाए क्या? बस ये स्विमिंग पूल इस टाइम खाली पड़ा है, और इसके साथ क्या करना है आप लोग कमेंट करके बताना। अरे भाई एक ज़ॉम्बीज हमारे घर पे क्या कर रही है? हाँ भाई क्या जाना नहीं है? तो भाई कब जाए हो जाती?